1, 2. क्या तुम ठीक हो? अजीब पागल है, मुंह के बल गिरा है फिर भी स्माइल कर रहा है। अभी पकड़ना क्या हुआ? मेरा स्क्रंची कहाँ है? Hi, excuse me. I think ये आपका वहाँ गिर गया था। Thank you. Excuse me, आप क्या मेरे साथ एक कप कॉफी पियेंगी प्लीज? क्या? यहाँ पे बहुत अच्छी कॉफी मिलती है, सिर्फ एक कप प्लीज। मैं कॉफी नहीं पीती। नहीं, मैं भी नहीं पीता, बट यहाँ नींबू पानी और लस्सी भी बहुत टेस्टी मिलती है, सिर्फ नो थैंक यू, सिर्फ एक कप प्लीज। ठीक है, अनोखी सोचकर बताएगी। कब तक बताएगी अनोखी सोचकर? अरे बोला ना, बता देगी। ऐसे डिसीजंस में टाइम लगता है। तो ठीक है, तो फिर मैं वेट कर लेता हूँ। ओ हेलो, अभी नहीं बताएगी, सोच कर बताएगी। बाय मिस्टर कॉफी, जाओ। पागल है क्या? क्या बाद में बताएगी? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। कितना क्यूट है, वैसे भी तुझे कॉफी के लिए तो पूछ रहा है, कौन सा तुझे डेट पे ले जाने के लिए बोल रहा है? तू पागल है क्या? तू तो जानती है ना मैं चाहकर भी नहीं जा सकती। अरे चली जाना कॉफी पर। अब बस कर मेरी माँ और चल। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोलती रहती। मैं पागल हो गई हूँ? तू भी कम एक्साइटेड नहीं है? मैं एक्साइटेड? शक्ल देख अपनी, अंदर से तो बड़े बड़े लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से हैं। क्या करूँ मैं, बढ़िया ही नौटंकी। चल जा सिमरन, जा पी ले अपनी कॉफी, जा ना। अब तो मुझे इतना फोर्स कर रही है तो चली जाती हूँ। मैं फोर्स कर रही हूँ नौटंकी, चल ज्यादा स्मार्ट मत बन। चल चल। हाय। हाय। ये सब पीना है?
पता नहीं था कि आपको क्या पसंद है। कॉफी। ओह सॉरी 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 कॉफी आप प्लीज। कॉफी ठंडी हो रही है। हाँ मैं पी रहा हूँ। थैंक्स कॉफी के लिए। आपको छोले कुलचे पसंद है? खट्टे तीखे मटके वाले छोले। एक सेकंड निधि। वन सेकंड। हाँ जी। नोकी कहाँ है? आयुष वो तो नोकी वापस घर चली गई। चली गई मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके घर से उसे कोई लेने आया था और जाने से पहले वो कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो सब तुम भूल जाओ। भूल जाओ मतलब? उसके फैमिली के बारे में जानोगे ना तो उससे मिलना तो क्या, उसके बारे में सोचना भी बंद कर दो। तुम जो बोलोगी मैं वैसा करूंगा, बट प्लीज मुझे उसके घर ले चलो। आराम से चल। देख अपना मुंह मत खोलियो जब तक कुछ कहा ना जाए। क्या इतना डर क्यों रही है? चल ना। तुझे भूला ना ज्यादा स्मार्ट मत बन, और अनोखी दिखे ना तो बिल्कुल रिएक्ट मत करना वरना खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। तेज क्यों पक? वो उधर मत देख, उधर मत देख। ओए चल चल ऊपर मत देखना, नीचे चल चुपचाप। मार क्यों रहे इसे? मत देख, जितना बोला जाए उतना कर, समझा? नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, बैठ जा बैठ जा। अंकल वो अनोखी बता रही थी कि आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत है, ये आयुष भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे दूर के कजिन हैं और छुट्टी पे घर आए थे तो अकाउंट में एकदम अव्वल है। मैंने सोचा कुछ दिनों की बात है तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। भाई एक बात बहुत साफ साफ बता दे कि आजकल लोग मुंह की बोली से ज्यादा बंदूक की बोली की भाषा समझते हैं। क्या बताएं? हमारा ईंट भट्टे का अपना काम है तो इसलिए हम लोग गुणा भाग के भाषा में जीरो है, जीरो पूरा। अब देख लो इन सबको देख के तुमको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि हम लोग किस तरह का भाषा जानते हैं। ऐ जज्बाती जी भैया। अरे मारा कि ना मारा? अरे नहीं भैया जी, पर लत्ता डाले सड़े के। बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया। ए सुन इधर जी, ए लौंडे को ऊपर ले जा छत पे और सब फाइल खोल के दिखा दे, कल से काम पे आ जाओ। भैया जी वो ईंटों के दो ट्रक जो बोले थे ना। अरे वो सब देख लेंगे हम। ठीक है भाई। अरे तू टेंशन मत ले यार, ये सब देखने के बाद वो वापस नहीं आएगा। मैं क्या थी, पागल हो गई है क्या?
इसे यहाँ से अभी के अभी निकाल, मुझे नहीं पता। सुन, तुझे लगता है कि ये सब बंदूक और ये पापा देख लेंगे तो? तू समझ, उसकी फट जाएगी अभी। अगली बारी दिखाई नहीं देने वाला वो, ठीक है? तू टेंशन मत ले, चल मैं चलती हूँ। अंदर के हाँ, देख के चल। सॉरी सॉरी, जज्बाती हुआ। चल उठा सब और ऊपर आ, बहुत काम करना तुझे। चूहों की बदबू आ रही है, पहलवानों के नाक नहीं होते क्या यार? नाक भी होते हैं और हाथ भी। चूहे की तरह जब मसल कर फेंक देंगे ये लोग तुम्हें, तब समझ में आएगी बात। निकलो यहाँ से आयुष। मसल तो मेरी भी है, थोड़ी कम है लेकिन मेरी भी है। तुम्हें मजाक लग रहा है? ये कोई मजाक नहीं है, पापा तुम्हें मार डालेंगे आयुष। बात समझो और निकलो, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? ठीक है मैं चले जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे बाहर मिलोगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं मिल रही, मेरा घर से निकलना मना है वैसे भी। ठीक है मैं फिर यहीं बैठूंगा तुम्हारे पिताश्री का अकाउंटेंट बनके, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बात समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझा रही हूँ, जस्ट निकलो। तुम समझी थी जब तुम निकल गई थी? डिड यू अंडरस्टैंड? नो। आयुष तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। जिंदा रहोगे तब प्यार करोगे ना? फिलहाल जिंदा तो हूँ ना, और प्यार भी तो करता हूँ। तो जाओ मरो जाके, इतना ही मरने का शौक है तो मरो कहीं और जाके, यहाँ नहीं। अब निकलो अभी के अभी, मरो कहीं और जाकर। दिल का हारा हूँ जान बचा ले कोई, प्यार का मारा हूँ एक आस ही दे दे कोई, आखिरी ख्वाहिश तो नसीब भी देता है, एक दिन तुम्हारे साथ अकेले बिताने को मिल जाए तो खुशी से मर भी जाए कोई। बोलो ना कब मिलोगी? आयुष हम अकेले में नहीं मिल सकते, कल से मत आना प्लीज।
एल्स तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अनोखी मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पापा आ जाए तो तुम्हें मार देंगे। जस्ट गो। अनोखी मेरी बात तो सुनो। अनोखी आई लव यू। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम भी यही चाहती हो कि मैं यहीं रहूं, तुम्हारे आसपास रहूं। बस एक बार इस रिलेशनशिप के लिए हाँ कर दो, मैं यहीं रहूंगा। मैं तुम्हारे पापा से पिटूंगा, कुछ भी हो जाए मैं मना लूंगा। यार क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सीधा सीधा बोल दो यार, प्लीज। I love you, Ayush. दरवाजा खोलो। हम हैं। हाँ पापा आई, एक सेकंड। दरवाजा खोलो, हम हैं। जी पापा। इतना देर काहे लगाती हो दरवाजा खोलने? वो मैं चेंज करी थी पापा, इसलिए। बेटा तुमसे हमें कुछ बात करनी है। तुम जानती हो हम तुम्हें खेलकूद वाली प्रतियोगिता से बाहर क्यों बुलवाए हैं? बेटा माहौल बहुत गर्म है। धवल गैंग वाले हम लोगों के जान के पीछे पड़े हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम हमारी इज्जत हो, हमारा गुरूर हो। जी पापा। इसीलिए हम तुमको कैद करके रखे हैं बेटा। मैं समझती हूँ। बस कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। और ये सब काहे को पर्दा बंद करके रखी? वो पापा, पापा मैं सोने जा रही थी इसलिए। ठीक है बेटा, सो जाओ, अपना ख्याल रखना। आयुष, तुम गिर जाते तो? लेकिन गिरा तो नहीं ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना। तुम पागल हो क्या? पापा अगर तुम्हें देख लेते तो जान से मार देते। चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं पता। तुम जाओ। ठीक है, मैं चले जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। क्या? तुम मुझे यहाँ से बाहर मिलोगी? हाँ। और अगर नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पापा का पर्सनल अकाउंटेंट बन के यही रह जाऊंगा। ठीक है, मिलूंगी। अभी तुम जाओ। हाँ जा रहा हूँ। यहाँ से तुम्हारे पापा का सारा काम खत्म करके दो दिन में निकल जाऊंगा। और अनोखी, I love you. I love you too, Ayush. Now go.
भैया जी ये साला बिटिया के कमरे में गया था। मर साले क्यों रहा है? क्यों क्यों गया था बेटा? ये बेकसूर है पापा। तू अपने कमरा में जा बस। पापा मेरी बात मानिए, जज्बाती भैया आप गलत सोच रहे हैं। इसने कुछ नहीं किया है पापा, बल्कि मैंने इसे अपने कमरे में बुलाया था। हाँ पापा, ताकि वो मेरी अकाउंटिंग में मदद करे। ठहर जज्बाती। हाँ सच में पापा, मेरा यकीन कीजिए आप। बहुत हुआ तेरा जोड़ घटाओ गुणा भाग, अब आज के बाद से अपनी शकल मत दिखाइयो। जज्बाती धक्का देके बाहर निकाल इसे। आइंदे तुमको कोई भी मदद चाहिए तो हमसे बोलना, ये अनजान आदमी से बोलने की क्या जरूरत थी? अब चुपचाप अपने कमरा में जाओ बस। ठीक है चलो। धवल गैंग के लोगों ने बेचारे छुटवा पर गोली चला दी। बेचारा अस्पताल में पड़ा हुआ है और पिछले हफ्ते हमारे ईंटों के भट्टे भी तहस नहस कर दिए। भैया जी कसम से मन तो करता है कि जाए और एक-एक को गोली से उड़ा दे। बस शांति रखो, उकरा समय भी आवेगा तो बताएंगे, लेकिन जब तक हम ना कहें कोई कुछ ना करेगा। सुनो आज गोवर्धन के वहां शादी है, हमको न्योता आया है, तुम भी शादी में चलोगी बिटिया? नहीं पापा, वो एक्चुअली मुझे घर पे थोड़ी पढ़ाई करनी है। ठीक है। अनोखी बिटिया का ध्यान रखना, हम शादी से होके आते हैं। जी भैया जी। चलो रे।
करनी है। बिल्कुल ठीक हो तो फिर। आयुष तुम वापस क्यों आए? मैं तुम्हें देखे बगैर कैसे जा सकता हूँ? I'm really sorry. अनोखी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? आयुष ने कुछ नहीं किया। तू चुप कर जा। तुझे तो उसी दिन गोली मार देनी चाहिए थी। पापा प्लीज, उसने मेरी जान बचाई है पापा। तू चुप कर जा बस। आज ना छोड़ूंगा इसे मैं। पापा मैं आयुष से बहुत प्यार करती हूँ। पीछे हट। जाइए भैया जी। अनोखी बिटिया ठीक कह रही है, इसने कुछ नहीं किया, इसने तो अपनी जान पर खेलकर अनोखी बिटिया की जान बचाई है। बिटिया के लिए तो अपनी जान पे खेल गया। अरे तूने तो हमारे घर की इज्जत और आबरू बचाई है। माफ कर दे बेटा, मैं तेरे को पहचान ना पाया।